बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ से मोड को हमने स्टार्ट किया हुआ था। अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा दोनों तरह से हमने देख लिया। मोड का डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट है। पास पेपर्स में आप देखें तो उसकी दो तीन बार डेफिनेशन आई है। और जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया तो आप उसमें दो तीन बार आया, लेकिन आप उस पर मैंशन कर दें कि ये 2013 या 14 जिसमें भी आया, नेक्स्ट भी रिपीट हुआ, आप उसमें आपने उसके सामने मैंशन कर देना है। और एक बार लीजिएगा डेफिनेशन और साथ उसके फार्मूला में, ठीक है। इसका मैंने आपको बताया था कि जब आपने करना होता है अनग्रुप डाटा का तो आप बाय इंस्ट्रक्शन करते हो, और अगर ग्रुप डाटा का करना तो उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला ऊपर इसका लिखा है, इस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं। अब आता है थर्ड केस, अगर आपने ग्राफिक लोकेशन ऑफ मोड बनानी हो, जैसे कि हमने मीडियन के लिए भी, हमने मीडियन के लिए ओबीप के थ्रू या कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन के थ्रू बनाया था। अब इसको मोड के थ्रू देखते हैं कि मोड में क्या करना होता है। मोड में हम हिस्टोग्राम के थ्रू जो है अपना मतलब चेक करते होते हैं, हिस्टोग्राम बनाकर, मोड बीइंग अ पोजिशनल, ठीक है। याद रखें मोड एक पोजिशनल एवरेज है, सो इट कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। पहला क्या लिखा हुआ है, हिस्टोग्राम ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ड्रॉन। पहले आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्टोग्राम बनाना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, इन हिस्टोग्राम द हाईएस्ट रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द मॉडल। जब आपको पता है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो आपका फिर मॉडल क्लास है, लेकिन जिसमें मोड लाई करता है। नेक्स्ट, अब यहाँ से आपने क्या करना है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से आपने जो है ज्वाइन करना है। और इस तरह से ये जब इस क्वेश्चन को करेंगे सोल्व तब आपको पता चलेगा, लेकिन बहरहाल आपने इसको पढ़ लेना है एक बार। और उसके उस लास्ट में कहते हैं फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट से आपका फिर जो है परपेंडिकुलर एक्सिस पर ड्रॉ करके आपका मोड बन जाएगा। अब क्वेश्चन को करते हैं तो क्लियर होगा मजीद हमें। फाइंड द मोड ग्राफिकली, ठीक है, मेंशन किया उन्होंने कि ग्राफिकली करना तो करना, अदरवाइज हम फॉर्मूले के थ्रू करते हैं। ऑल्सो चेक द रिजल्ट बाय फॉर्मूला, फॉर्मूला के थ्रू भी रिजल्ट चेक करें। फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जाम्पल 3.24, यानी कि ग्रुप डाटा की एग्जाम्पल है। हमने सबसे पहले तो यहाँ पे देखें वेट्स था, और ये मैंने आपको कहा ना मोड के केस में सबसे पहला काम आपका क्या होता है, आपने क्लास बाउंड्रीज बनानी होती है, ठीक है। यहाँ पे अब इसको हम देख लें, आपने यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज बनाई, क्या किया, इन दोनों क्लासेस के दरमियान में डिफरेंस लिया, इन दोनों वैल्यूज को मैंने डिफरेंस लेने के बाद टू पे डिवाइड किया, जो भी वैल्यू आती है लोअर में माइनस कर देते हैं, अपर में ऐड कर देते हैं। और ये होल इंटरवल वाला केस है तो 0.5 प्लस और माइनस होगा। 0.5 को प्लस माइनस करके आपने क्लास बाउंड्रीज बना ली 59.5, 64 इस तरह से माइनस करते गए, इसमें प्लस करते गए, और ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज होनी चाहिए। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ गई थी, यहाँ पे हमें पता है जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम FM कहते हैं, और उससे प्रीवियस पर्सन उससे अगली वाली को FM, और जहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी होती है उसके सामने वाले को हम L कह देते हैं, लोअर, ठीक है, लोअर क्लास बाउंड्रीज। और एच इनके दरमियान में क्या है, 5 5 का डिस्टेंस चल रहा है, तो हमारे पास एच जो है वो 5 आ जाएगा। सारी वैल्यूज को हमने यहाँ पे, ठीक है, ये देख लिया है। अब हम इसको इसके फॉर्मूला में मोड, पहले हम फॉर्मूला कर लेते हैं बाय फॉर्मूला, एल प्लस FM-7। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट किया, हमारे पास आंसर आ जाएगा 72.7, जो भी मतलब आया, ये आंसर आ गया हमारे पास। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रोसीजर उन्होंने कहा है बाय ग्राफिकली, क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज को करेंगे। यहाँ पे जो है एक छोटी सी लाइन आपने डाल देनी है ब्रेक साइन की, आपने जो है दरमियान की वैल्यूज को छोड़ा है। वहां से आपने अपनी जो क्लास बाउंड्रीज में है, इस तरह से मैंने कहा था ना उल्टे एल की शेप में आपने अपने डाटा को यहाँ पे लिखना होता है। पहले 59.5 आएगा, फिर 64.5, फिर 69, 74, 79, 84, इस तरह से आपने सारी क्लास बाउंड्रीज को लिखते गए। और उसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखी हमारी हाईएस्ट 16 की, तो हम 0 से लेके 16 तक चले गए। अब सबसे पहले जो हमारा जो वो है रेक्टेंगल बनेगा, 59 से लेके 64 के सामने वैल्यू आ रही है 5, हम 5 तक चले गए, ठीक है, एक बना लिया हमने। नेक्स्ट 64 से 69 के सामने हमारी फ्रीक्वेंसी 9 तक आ रही है, हमने 2 बना लिया। नेक्स्ट 69 से अब हमारे पास 16 आ रही है, हमने 16 तक बना लिया। नेक्स्ट फिर उसके बाद जो है 12 तक बना लिया, इसके बाद जो है 8 तक बना लिया। इस तरह से हमारे सारे जो है ये बन जाएंगे रेक्टेंगल, यानी कि बार्स बना लिए हमने हिस्टोग्राम के, ठीक है, ये हिस्टोग्राम हमने बनाया। यहाँ पे आपने नेम जरूर मेंशन करना है, लेबलिंग प्रॉपर करनी है, फ्रीक्वेंसी है इस साइड से, इस साइड क्लास होगी, आपने लेबलिंग प्रॉपर करनी है। अब आता है कि इसको लोकेट कैसे करना है, ये तो हमने हिस्टोग्राम बना लिया सिंपल। अब उन्होंने कहा जो आपका टॉप लेफ्ट कॉर्नर होगा, राइट कॉर्नर होगा, इन दोनों को आपने मिला देना। यहाँ से देखो हमने यहाँ से इसको लाइन ड्रॉ करके इसके साथ मिला दिया, इसको यहाँ से लाइन ड्रॉ करके इसके साथ मिला दिया। जहाँ पे भी ये लाइन इंटरसेक्शन होगी, यहाँ पे लाइन एक दूसरे के साथ कट हो रही होगी, वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे मोड, ठीक है। क्या किया हमने, टॉप लेफ्ट और टॉप राइट कॉर्नर को उसके नेक्स्ट वाले बार्स के साथ मिला दिया, ठीक है, इसको यहाँ से मिला दिया इसके साथ, इसको इसके साथ मिला दिया, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहे थे वो हमारा बन जाएगा डाटा का मोड है, इस क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन का ये मोड है, क्लियर है।
आपने जब मीडियन कैलकुलेट करना सीखा था उसमें हमने एन बाय टू करके यहाँ पर सामने ले जाते थे, और जहाँ पे वो होता था उसके सामने एक्सरसाइज पे हमने करनी होती थी। यहाँ पे क्या किया है हमने, दोनों इन बार्स के साथ ये जो है टच किया, और यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा था वो हमारा 72.7 हमारा तकरीबन बोर्ड बन जाता है। ठीक है, हमने बाय फार्मूला भी चेक कर लिया और हमने बाय ग्राफ भी चेक कर लिया, दोनों के थ्रू हमारा मोड सेम आ रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस भी आ जाए तो माइनस से डिफरेंस कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर हाँ यहाँ पे दोनों सेम आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस रह गए थे मोड के, वो देखते हैं। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू कैलकुलेट। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था तकरीबन, ये तो सबके उसमें आ जाता है कि एडवांटेजेस में और डिसएडवांटेजेस, इजी टू कैलकुलेट, सिंपल, जो भी अंडरस्टैंड। अच्छा, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, लार्ज और स्मॉल। अब ये एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि इसने तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को ले लेना, इसने ना देखना कि छोटी वैल्यू कौन सी है, ना देखना कि बड़ी वैल्यू कौन सी है, इसने डाटा में देखना कि जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है वो आपका मोड बन जाएगा, इसलिए ये एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होती। इट कैन बी लोकेटेड ओनली बाय इंस्ट्रक्शन, वो कहते हैं सिर्फ इंस्ट्रक्शन यानी कि सिर्फ देख के आपको पता चल जाता है अनग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा में। इट इज ओनली लोकेटेड बाय इंस्पेक्शन इन द अनग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा में आपने देख के बन जाता पता चल जाता है, और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपने सिर्फ देख के इसको कैलकुलेट कर लेना, ये इसका एडवांटेज है, इसमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। इट कैन बी यूजफुल फॉर क्वालिटेटिव डाटा, हमने मीडियन के केस में भी पढ़ा था, मैंने आपको बताया था स्टार्ट में भी, क्वालिटेटिव डाटा के लिए मीडियन और मोड दोनों बेस्ट होते हैं, उसमें अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन बेस्ट नहीं होते। इट कैन बी कंप्यूटेड इन ओपन एंड क्लासेस, ये हमने उसका एडवांटेज भी पढ़ा था मीडियन का, कि हम ओपन एंड क्लासेस यानी कि जिसकी लोअर और अपर हमें गिवन नहीं होती क्लासेस की, उस केस में भी जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, उनका हम नहीं कैलकुलेट कर सकते ओपन एंड क्लासेस का। ठीक है, ये इनका एडवांटेज है, उसका वो डिसएडवांटेज था। इट कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली, ये हमने मीडियम के, ये सारे के सारे बेसिकली देखा जाए तो आपकी मीडियम वाले ही हैं एडवांटेजेस, ठीक है, सिवाय थर्ड वाले के। अच्छा जी, डिसएडवांटेज की तरफ आते हैं, इट इज नॉट वेल डिफाइंड, इट इज नॉट बेस्ड ऑन द ऑल वैल्यूज, ये सारे, ये भी मीडियम पे, मीडियम भी सारी वैल्यूज को बेस नहीं करता, जस्ट मिडल वैल्यूज पे, और ये भी जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को बेस करता है, सारी वैल्यूज को बेस नहीं करता, जैसे कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, तो पता है ना आपको, सारी वैल्यूज को बेस करता है, मिड पॉइंट निकालेंगे, फिर आप एफएक्स निकालेंगे उसके लिए, और वहाँ पे लोग ऑफ निकालेंगे, पूरे पूरे आपने कॉलम्स को इंक्लूड करना है, ये नहीं करना कि चंद वैल्यूज को लेना, इसमें जो है सिर्फ सिलेक्टिव वैल्यूज को लेना होता है। अच्छा, ये डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट टाइम, इट इज स्टेबल फॉर लार्ज वैल्यू एंड इट विल नॉट बी डिफाइंड इफ द डेटा कंसिस्ट ऑफ स्मॉल वैल्यूज। ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज आ गया। इसके बाद आता है सम टाइम द डेटा हैविंग, अब ये भी आपको पता है डेटा में एक मोड या दो मोड हो जाते हैं, तो इस केस में हमारे पास क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि हम किसको लें क्या। ठीक है, ये इस केस में इसका ये डिसएडवांटेज है। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट, इंपीरिकल रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, आपने इंपीरिकल रिलेशन बताना है मीन मीडियन मोड का, और ये आपने इंटर लेवल में भी पढ़ा हुआ है कि मीन मीडियन मोड का रिलेशन क्या होता है। ठीक है, अब जब हमारे पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जैसे कि यहाँ पे सामने बनी है आपके सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें आपका मीन मीडियन मोड तीनों ही एक जगह पे लाए सकते हैं, यानी कि जब सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो उसमें मीन मीडियन मोड आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये चीज याद रखनी है आपने, इफ बोथ टेल्स ऑफ अ फ्रीक्वेंसी कर्व आर इक्वल इन लेंथ फ्रॉम सेंट्रल वैल्यू इज सेड टू बी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आपका लेफ्ट वाली साइड भी और राइट वाली साइड दोनों दूसरे का मिरर इमेज हो जाए, 50% आपका डाटा यहाँ पे लाए करे, 50% डाटा आपका यहाँ पे लाए करे, और मिडल वैल्यू को हमने कह दिया सिमेट्री के केस में, ये हमारा इतना सोचता है कि मीन मीडियन मोड की वैल्यू बराबर होती है। नेक्स्ट सपोज आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि मीन की वैल्यू है 50, ठीक है, या चलो 70, मीन की वैल्यू 70 है, फाइंड मोड एंड मीडियन, और हम उन्होंने कह दिया कि डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। अब हमें पता है कि इसमें मोड भी 70 होगा हमारे पास और मीडियन भी 70 होगा, क्योंकि ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड की वैल्यूज क्या होती हैं, बराबर आती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट केस है हमारे पास, अगर मॉडरेटली स्क्यूड हो जाए डाटा, स्क्यूड हो जाए यानी कि पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाए या नेगेटिवली स्क्यूड हो जाए, उस केस में आपने क्या करना, या मॉडरेटली स्क्यूड या असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, द मीडियन लाइज बिटवीन मीन एंड मोड। ठीक है, आपको पता है कि आपका मीडियन है, मीडियन क्या होता है, एक तरह से सैंडविच है, मीडियन इज अ सैंडविच बिटवीन मीन एंड मोड, क्या है, मीडियन इज सैंडविच बिटवीन मीन एंड मोड, ये इसमें तो दरमियान में आना है मीडियन हमेशा। अब मीन और मोड की पोजिशन जो है वो चेंज होती है। अब उन्होंने क्या कह दिया, मीडियन लाइज बिटवीन द मीन एंड मोड एंड इट इज ट्वाइस एज फॉर फ्रॉम द मोड एज फॉर द मीन, द फॉलोइंग रिलेशन हो, अब उन्होंने ये बताया कि अगर आपके पास असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तो मोड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला आपने याद कर लेना। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, आपको
मीडियन दे दें, मीन दे दें और कहते हैं कि मोड कैलकुलेट कर दें, या आपको मोड दे दें और मीडियन दे दें, कहते हैं मीन कैलकुलेट करें, असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है या मोडरेटली स्क्यूड है, तो आपने इसको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, रीअरेंज करके आपने इसको सोल्व करना होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है व्हेन अ डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्ट्स फ्रॉम सिमेट्री, यानी कि सिमेट्री नहीं होती, जिसका मतलब है वो मोडरेटली स्क्यूड ही होगी। मीन मीडियन मोड आर डिफरेंट इन वैल्यूज, वन टेल बिकम, अब या आगे इसको इन्होंने बता दिया कि पॉजिटिवली स्क्यूड क्या होता है, नेगेटिव, जब जब आपका सिमेट्रिक डाटा नहीं होता, यानी कि दोनों टेल्स आपस में बराबर नहीं होती, वो पॉजिटिवली स्क्यूड या नेगेटिवली स्क्यूड का केस बनेगा, उसको हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा सिमेट्री का केस क्या है, फिर उसके बाद देखा मॉडरेटली स्क्यूड के लिए उन्होंने फॉर्मूला बता दिया, नेक्स्ट उन्होंने कह दिया कि आप पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड के बारे में भी एक्सप्लेन करें, वो क्या है। इफ द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आ लॉन्गर टेल टू द राइट, अगर हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी राइट साइड पे लॉन्गर टेल होती है, तो हम उसको कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड, और उसका रिलेशन एग्जिस्ट करता है ये वाला मीन मीडियन मोड, ठीक है, इसमें से रिलेशन आता है। इसकी यहाँ पे देखो उन्होंने ग्राफ भी बनाया होगा, फिलहाल हमने इसकी डेफिनेशन देखी है पॉजिटिवली स्क्यूड क्या होता है। अब ये भी आप जो है ना पास पेपर में चेक करें, आपको तकरीबन 3-4 बार रिपीट हुआ है कि पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड के दरमियान में डिफरेंस बताएं, ठीक है। एक तो मैंने आपको इंपीरिकल रिलेशन के थ्रू बता दिया, ये भी आ जाता है क्वेश्चन, और आप देखेंगे ना पास पेपर्स में पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का डिफरेंस पूछा हुआ है, तो ये भी 3-4 बार आया हुआ है। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है, और मैंने कहा है असाइनमेंट के अंदर इसको याद कर करके लिखते जाना है, तीनों चैप्टर्स जो आपके कंप्लीट हो गए हैं। रिलेशन क्या होता है, पॉजिटिव स्क्यूड में मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, ये रिलेशन होता है हमेशा। अब नेगेटिव स्क्यूड में क्या होता है, इफ द फ्रीक्वेंसी कर्व हैज अ लॉन्गर टेल टू टेल, लेफ्ट उसमें था राइट साइड पे टेल लंबी होती है, इसमें है लेफ्ट साइड पे, तो डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज नेगेटिव स्क्यूड, इसमें लेस देन रिलेशन होता है। मीडियन ने तो दरमियान में आना है, मीन और मोड की पोजिशन में भी आता है। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे क्या है, ये जो है हमारे पास टेल किस साइड पे लंबी है, इस साइड पे राइट साइड पे है, और ये वाली टेल हमारे पास लेफ्ट साइड पे लॉन्गर है। उन्होंने कहा है ना कि जिस साइड पे टेल लॉन्गर होगी, जैसे कि ये हमारी, अच्छा मैं लेफ्ट सपोज यहाँ पे बनाती हूँ, ये देखिए ऐसे करके टेल है, ये राइट साइड पे हमारी जो टेल है वो लंबी है, तो ये क्या है हमारे पास पॉजिटिवली स्क्यूड है। ये हमारे पास आता है, ये देखो इसमें हमारे पास क्या है, ये टेल है लेफ्ट साइड पे, तो ये हमारे पास क्या है नेगेटिवली स्क्यूड है। याद रखना है पॉजिटिव राइट साइड पे टेल लंबी होगी तो पॉजिटिवली स्क्यूड, लेफ्ट साइड पे टेल लंबी है तो नेगेटिवली स्क्यूड, और इसका रिलेशन क्या होता है मीन। अब देखो मैं आपको बताती हूँ यहाँ से देखो, जैसे कि ये जो आपको पता है मोड कहाँ पे लाई करता है, मोड वहां पे लाई करता है जहाँ पे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है। अब देखो सबसे लंबी टेल इस जगह पे है ना, इसका मतलब है मोड यहाँ पे आ जाएगा जहाँ पे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, ये मोड बन जाएगा। मीडियन है दरमियान में आना है, यानी कि तो सैंडविच है उसमें बीच में आना है, और मीन जो है उससे आगे चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिर मीन यहाँ पे नहीं ना आ सकता। अब मीडियन यहाँ आ गया तो इसका मतलब है मीन उससे आगे जाएगा, इस तरह से दरमियान में मीडियन और ये मीन और मोड, इस तरह से हमारा बन जाएगा पॉजिटिव स्क्यूड का केस। नेगेटिव स्क्यूड का केस कैसे बना है, ये देखिए हमें पता है जहाँ पे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है वो तो मोड बन जाएगा, मीडियन है सेंटर में आ जाना है, मीडियन दरमियान में आ गया, उसके बाद रिमेनिंग सिर्फ एक ही रह जाता है मीन, उसमें आगे आ जाना है, तो इनका रिलेशन ये बन गया। अब देखो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ से मैं आपको वो एरो बना के बताती हूँ, सबसे बड़ी वैल्यू जिसकी आई मोड की, इसका मतलब मोड की वैल्यू क्या है सबसे बड़ी है। इसके बाद हम जाते हैं उससे छोटी वैल्यू किसकी है, मीडियन की है, उससे छोटी वैल्यू एरो बनाती हूँ तो मीन की, इसका मतलब है मीन सबसे छोटा है, मीन इज लेस देन मीडियन लेस देन मोड, इस तरह से आपका रिलेशन बन जाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, सबसे बड़ी वैल्यू मीन की है, उसके बाद वैल्यू आ जाएगी मीडियन की, और सबसे छोटी वैल्यू किसकी है मोड की, तो क्या बन जाएगा मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, यानी कि मीन की वैल्यू सबसे बड़ी है, मीन की वैल्यू मीडियन से बड़ी है, और मीडियन की वैल्यू मोड से बड़ी है। ये आ जाएगा पॉजिटिव स्क्यूड के केस में, और ये आ जाएगा नेगेटिव स्क्यूड के केस में। जब भी आपको पेपर में आता है तो आपने इसका ग्राफ जरूर बनाना है, ठीक है। मैं दोबारा से एक बार आपको कुछ से स्केच करके बताती हूँ, देखिए जैसे कि लेट्स सपोज मैंने ये बनाया, अब यहाँ पे मैं कहती हूँ कि ये वाला सबसे पहले मैं ये वाला केस ले लेती हूँ, ठीक है, ये वाला केस ले लिया, मेरी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी यहाँ पे आ रही है, ये मेरा क्या बन जाएगा मोड, ये क्या बन जाएगा मेरा मोड। मीडियन को मैंने भी बताया सेंटर में आना, हमेशा जहां पे भी होगा मीडियन इस सेंटर में आ जाना है, ये हो जाएगा हमारा मीडियन। नेक्स्ट इसके बाद आता है उसके अगली वैल्यू, फिर इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगी मीन क्या आ जाएगी, मीन यहाँ आ जाएगा। अब ये हमें पता है कि सबसे बड़ी वैल्यू हमारी मोड की है, अभी ये नेगेटिव स्क्यूड का केस बन रहा है, और हमें पता है कि जो है लेफ्ट टेल लंबी है, ये नेगेटिव स्क्यूड बन जाएगा, मीन इज ग्रेटर देन, तो सॉरी मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मोड, ये बन जाएगा। नेक्स्ट केस अगर मैं आपको ये बताती हूँ कैसे बनाना है, ये देखें यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ये है और टेल इस साइड पे लंबी है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो जाएगी, इसको मैं कह दूंगी ये मेरे पास क्या है
मोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मीडियन आ जाएगा दरमियान में, सेंटर में, ठीक है, ये मीडियन हो जाएगा। इसके बाद मेरे पास आ जाएगा मीन, तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा मीन इज ग्रेटर देन मोड, मीडियन इज ग्रेटर देन, इस तरह से हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आपने ग्राफ बनाना है तो चेक कैसे करना है, जहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी होगी वो मोड होगा, मीडियन ने बीच में आ जाना है, मीन उसके बाद आ जाएगा। यहाँ पे भी हाई फ्रीक्वेंसी है मोड हो जाएगा, नेक्स्ट मीडियन ने बीच में आना है और साइड पे फिर मीन आ जाएगा, ठीक है। अब आगे तो इसे चल नहीं सकते ना, इसलिए प्रीवियस चल रहे हैं, इसमें जो है प्रीवियस चल नहीं सकते, आगे चल रहे हैं। इस तरह से आप इसको याद रखना, अपनी बुक पे एक दो बार बना के अपनी प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम्पल है 3.38, अब उन्होंने कह दिया इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 20 मीडियन। अब इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो आए हैं, मीन और मीडियन उन्होंने बता दिया, वो कह रहे हैं मोड की वैल्यू फाइंड करें। हमने पढ़ा हुआ है कि सिमेट्रिकल के डिस्ट्रीब्यूशन में केस में मीन हो मीडियन बराबर है तो मोड भी वही होगा, इस केस में तीनों बराबर होते हैं तो मोड इज ऑल्सो 20, ठीक है। अगर ये होता हमारे पास मॉडरेटली स्क्यू, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया उन्होंने, इस केस में हमें कैलकुलेट करना पड़ा था। उन्होंने कहा मीन मीडियन की वैल्यू है मोड फाइंड करें, मीन की मोड की वैल्यू मीडियन फाइंड करें, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे मीन फाइंड करें। पहले कि हमने वही फॉर्मूला याद रखना है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसमें हमने अपने मीडियन की वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया, मीन की वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया, सोल्व किया, हमारे पास आंसर आ जाएगा मोड का। नेक्स्ट हमने फिर दोबारा से अगले में भी हमने कैलकुलेट करना है जो मीडियन, तो जो जो वैल्यू हमने मोड की गिवन थी, मीन की गिवन थी, मीडियन को हमने अननोन ही रहने देना, फिर बाद में रीअरेंज करके पोजिशन को हमारे पास यहाँ पे मीडियन को हटा देना। थर्ड केस में भी हमारे पास यही है, उन्होंने वैल्यू दी हुई है मीडियन फिर मोड की और मीन फाइंड करना, तो हमने रीअरेंज करके यहाँ पे भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और आपका जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो भी देख लेंगे, और बाकी सारे क्वेश्चन जो 3.22 तक मैंने शायद आपको करवाए थे यहाँ पे होगा, वो खत्म होगा 3.30 से हमने, अच्छा इसको करना है। उन्होंने कहा है कैलकुलेट करें मोड मीडियन Q1 Q3 और D6। अब हमें पता है कि हमारे पास डाटा है ये वाला नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला डाटा गिवन है हमें, और 7 नंबर ऑफ फैमिली फ्रीक्वेंसी गिवन है, और इसके बाद हमें कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, हमें मीडियन के लिए कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है, ठीक है, और मोड के लिए भी हमें क्या है वो क्लास बाउंड्री बनानी थी, लेकिन ये डिस्क्रीट का केस है तो हम क्लासेस नहीं बना सकते, हमें बाकी इन तीनों के लिए हमें कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी हमने बना ली। अच्छा मोड तो आप सिंपली इसमें देख लो कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि यहाँ पे देखो सबसे बड़ी वैल्यू है 30, 30 के सामने वाली वैल्यू हमारा मोड हो जाएगा 4, 4 हमारा मोड हो जाएगा। नेक्स्ट केस है मीडियन का, मीडियन में हमने देखी है फ्रीक्वेंसी का साथ 105 है, 105 को मैं 2 पे डिवाइड करती हूँ, ठीक है, मोड तो हमारा 4 हो गया, उन्होंने बता दिया कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टाइम आया। मीडियन के केस के लिए हमने क्या करना है, n+1/2 जो हमारा फॉर्मूला था उसमें सारी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके हमारी यहाँ पे लाई करती है 80 वाले में, तो हमारा जो है मीडियन भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हमने Q1 के लिए करना है, डिस्क्रीट के केस में आपने यही n ग्रुप वाले फॉर्मूला यूज करने होते हैं, n+1/4 वैल्यू किया तो ये हमारे पास 26 वैल्यू आ जाएगी, 26 हमारे यहाँ पे लाई करती है, तो ये हमारा जो बेसिकली Q1 हो जाएगा। इस तरह से Q3 और D6 भी आप यहीं पे लाई करेगा मेरे ख्याल में, तो आप इसको फाइंड कर मेंशन किया, जैसे पहले आपने क्या किया ये दो चीज़ें तो आपको क्वेश्चन में गिवन थी, आपने कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी जस्ट बनाई है, और उसके बाद आपने मोड फाइंड कर लिया, मीडियन Q1 ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, और Q3 और D6, ठीक है। इसमें बस आपको देखो 3 बाहर आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला यही रहेगा, इसमें आपका 6 आ जाएगा, नीचे डिवाइजिंग में 10 क्योंकि ये डिसाइल था, इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.31, फाइंड द मीडियन एंड मोड। अब आपने मीडियन और मोड फाइंड करना है, अब ये आपके पास देखें डाटा एक्स है और फ्रीक्वेंसी। अभी मैंने आपको बताया था जो पिछला हमने लेक्चर लिया था कि जब आपके पास इस तरह से वेट्स हों तो हमने इसका मिड पॉइंट गिवन है ना, x+-h/2 करके हमने क्लास बाउंड्रीज बनानी है, क्योंकि हमें मोड के लिए और मीडियन के लिए क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती है। अच्छा वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में नहीं बना सकते जो पिछला क्वेश्चन था, लेकिन इसमें बना सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास डिस्क्रीट का केस नहीं है, कंटिन्यूस का केस है। अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं इनका 1:1 चल रहा है, तो हमारा ये हो जाएगा x+-0.5 प्लस और माइनस करके हमें बनाना है, ठीक है। अब मैं 102 में से माइनस किया 0.5 तो 101.5 आ जाएगा, ऐड किया तो 102.5 आ जाएगा, 103 में से माइनस किया तो 102.5 और ऐड किया तो 103.5, सो ऑन। इस तरह से हम क्लास बाउंड्रीज बनाते गए और यहाँ पे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना ली हमने, ठीक है। ये सारे काम हमारे हो गए मीडियन के लिए, ये दोनों, और ये मोड के लिए हमने जो है यहाँ से देख लिया हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की, वो Fm हो गया, ये F1 हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा, और ये वाली आपके सामने जो है ये लोअर क्लास बाउंड्री हो जाएगी, और H का 1 चल रहा है, ये सारी वैल्यूज पुट करके हम मोड निकाल लेंगे,
मीडियन के लिए आपको पता है 45 वैल्यू आ रही है, 45 के लिए हमें एन बाई टू करेंगे, तो जो वैल्यू यहाँ पे लाई करेगी उसके सामने वाली इसको एरिया ऑफ कंसर्न हमने कर लेना है और यहाँ से हमें सारी वैल्यू इसको लिख लेना, ठीक है। 45 को 2 पर डिवाइड करते हैं तो ये इसी के अंदर लाई करेगी ना, फिर लाइन के अंदर यहाँ से हमने इसको कंसर्न कर लेगी, एल हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, ये पीछे वाला सी हो जाएगा और इसमें सारी वैल्यू एच हमारे पास वन है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके पुट कर लेंगे। अब देखो ये आपका अपना होमवर्क था उसी के लिए, क्वेश्चन है आपको बता दूँ कि आपने ऐसे करना है। अच्छा देखिए मीडियन के लिए उन्होंने यहाँ पे एन बाई टू किया, 22.5 आया, जो मैंने आपको रो बताई थी 4 रो आपकी एरिया कंसर्न हो जाएगी, वहां से वैल्यूज आपने एल लिया, एफ लिया, एच लिया और प्रीवियस वैल्यू सी ली और सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके मीडियन निकाल लिया। मोड भी मैंने आपको बता दिया, एफ एम एफ वन क्या है, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको सिंप्लीफाई करके आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मीडियन और मोड दोनों आ जाएंगे कैलकुलेट होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3.32 में है, फाइंड द मीडियन मोड Q1 एंड Q3। अब आपके पास ये वैल्यू है 0.2, 0.4, ये अब ये भी देखो उन्होंने मेंशन नहीं किया आपके पास, तो ये डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस, क्वेश्चन नंबर 3.32 देखने, फाइंड मीडियन मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, ऑल्सो फाइंड Q1 एंड Q3, तो ये चीजें फाइंड करने के लिए कहा है। यहाँ पे देखें हमारे पास, देखो डाटा बेसिकली ये देखें, ये क्वेश्चन आपको अगर एक्सरसाइज में देखते हैं तो क्या है, 1.8, 1.6 आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे गिवन, आपने 0.1 से स्टार्ट करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिखना है, ठीक है। हमने इसका ये इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया 0.2, 0.4। अब हमें पता है इनके दरमियान में जो तो डिफरेंस चल रहा है, एज जो है हमारे पास वो 0.2 है, ठीक है, 0.2 आ जाएगा हमारे पास एज। हमने अब यहाँ पे जो करना है क्लास बाउंड्री बनाने के लिए, हमें पता है एक्स प्लस माइनस जो हमारा पीछे पड़ा है फॉर्मूला वो एज का, टू एज हमारे पास 0.2 है, इसको 0.2 को 0 को डिवाइड करूँ तो ये आ जाएगा 0.1, 0.1 प्लस माइनस करना होगा और हमारे पास क्लास बाउंड्री जनरेट हो जाएगी, यानी कि पहले 0.2 में से मैंने माइनस किया 0.1 तो 0.1 बन जाएगा, इसमें मैंने ऐड किया तो 0.2 बन जाएगा, इसमें से मैंने माइनस किया 0.1 तो 0.3 ऐड किया तो 0.5, सो इस तरह से आपने ये क्लास बाउंड्रीज बना लेनी है और कमोलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अभी क्यों करना पड़ रहा है हमें, क्योंकि मीडियन के केस में, Q1 के केस में, Q3 के केस में आपको ये दोनों कॉलम चाहिए होते हैं और मोड के केस में बस क्लास बाउंड्रीज का चाहिए होता है। अभी हमने इतना से कर लिया और यहाँ से F1 देख लिया, F1, F2, FM, ये सारे हमने मोड के लिए सारी वैल्यूज को सेट कर लिया, और इसमें हमने एन बाई टू जो निकालेंगे मीडियन के लिए, एन बाई टू को देखना होगा, Q1 के लिए हमने एन बाई फोर को चेक करना होगा, Q3 के लिए 3 n/4 को चेक करना होगा कमोलेटिव फ्रिक्वेंसी में, और जहाँ पे भी वो लाई करता होगा वो हमारी एरिया ऑफ कंसर्न हो जाएगा, उसको जो वो कंसिडर करके वहाँ से एफ लेना है, एल लेना है, सी लेना है, एज तो हमें पता है 0.2 ही चल रहा है सबके लिए, इस तरह से हमें इसको सोल्व करना है, ठीक है। ब्रीफली मैंने बता दिया, बाकी आपने इसको खुद से सोल्व करना है। यहाँ पे देखो मैंने बता दिया मीडियन के लिए आपका फॉर्मूला एन बाई टू पहले आपने निकाला, 66 आएगा, ऊपर हम कमोलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे, उसके सामने वाली रो को कंसीडर करके निकाल लेंगे। वी मोड के लिए आपने बस जो मैंने बता दिया एफ एम एफ वन और एफ टू को देख लिया। नेक्स्ट आपने इसके बाद आता है मोड के बाद Q1 के लिए एल प्लस एच ओवर एफ एन बाई फोर माइनस सी, एन बाई फोर को कैलकुलेट किया, 33rd वैल्यू आ गई, इसको कमोलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक किया और उसकी पूरी रो को कंसिडर करके वहाँ से आपने एल एफ एच एफ सी सारी वैल्यू को निकाल के सिंप्लीफाई कर लिया। सिमिलरली Q3 के लिए यहाँ पे आपको मैंने बताया थ्री एन बाई फोर को चेक करना है, तो 3/n/4 हमारे पास 99th वैल्यू आ गई और इसको भी फिर हमने जो है सामने वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करके सारी वैल्यूज एल एफ एम सारी वैल्यूज निकाल ली और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। ये आपका होमवर्क है तो आपने खुद करना है, इसलिए जल्दी जल्दी यहाँ से चल देंगे। अच्छा 3.33 है हमारे पास क्वेश्चन, ये भी ग्रुप डाटा का, लेकिन इसमें हमें क्लासेज गिवन और फ्रीक्वेंसी गिवन है, उन्होंने क्या कहा है कैलकुलेट करना है। यहाँ से देखें क्वेश्चन, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द एजेस ऑफ 100 कॉलेज स्टूडेंट्स, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड, ये तीनों आपने कैलकुलेट करना है, यानी कि मीन मीडियन मोड आपने निकालना है। अब इस केस में क्या होगा, हमने जो है मीन के लिए हमें मिड पॉइंट निकालना पड़ता है, हमने वो कैलकुलेट कर लिया, साथ हमें एफ एक्स कॉलम बना लेंगे, ठीक है। मिड पॉइंट कैसे निकला है, 14 + 15 / 2 करके 14.5, 16 + 17 करके 16.5, ये मिड पॉइंट का कॉलम आ जाएगा, और एफ एक्स का क्या, एफ और एफ को एक्स को मल्टीप्लाई करके हमने ये बना लिया। क्लास बाउंड्रीज क्यों बनाई है, हमने मोड के लिए भी यूज होंगी, मीडियन के लिए भी यूज होंगी, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी मीडियन के लिए यूज होगी, ये चीज़ याद रखनी है, ये मीन के लिए यूज हो रहा है मिड पॉइंट, और ये एफ एक्स ये क्लास बाउंड्री है, ये दोनों के लिए मीडियन और मोड के लिए, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा मीडियन के लिए यूज होगा। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी फिंगर टिप्स पे हो जाएगा कौन सा स्टेप किसके लिए करना है। अच्छा अब यहाँ से जो है हमारे पास क्लास बाउंड्री बनाने का वही मेथड, दोनों के लिए मैंने डिफरेंस 2 से डिवाइड किया, जो भी वैल्यू है इन सब में से माइनस करते गए, प्लस करते गए, तो ये क्लास बाउंड्री बन जाएंगी, और कमोलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो पहली वैल्यू अच्छी नेक्स्ट में ऐड करते हैं, ठीक है।
अब इसके जो फ्रीक्वेंसी का सम है वो हमारे पास आया है 100। 100 को 2 पे डिवाइड करें तो आता है 50, तो 50 यहाँ पे लाई करता है, तो मिडिल क्लास हमारी ये भी कंज्यूमिंग रहेगी। ठीक है, यहाँ पे देखें ये लाइन हमारी एरिया ऑफ कंसर्न हो जाएगी इस तरह से। जब यहाँ से हमने अपनी वैल्यूज को देखना, ये प्रीवियस वैल्यू सी हो जाएगी, ये फ्रीक्वेंसी हमारी एफ बन जाएगी, ये लोअर क्लास बाउंड्री एल बन जाएगा, एज हमारे पास 2 चल रहा है, या 2 चल रहा है तो एज हमारे पास 2 आ जाएगा। ये सारा मोड के लिए हो जाएगा, और मीडियन के लिए, मोड के लिए F1 F2 पहले कैलकुलेट कर लिया, और मीन के लिए हमने सॉल्यूशन इफेक्ट करके इस तरह से निकाल देंगे। अब ये सारे जो है, पहले मैंने आपको बताया जब भी आपने क्वेश्चन करना है सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिखना है, ताकि आपको पता हो कि आपने क्या कैलकुलेट किया है। मीन का ये फॉर्मूला लिखा, उसको कैलकुलेट किया, ये रिजल्ट आ जाएगा। मीडियम का ये फॉर्मूला लिखा, उसमें ये सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट की, ये रिजल्ट आ जाएगा। मोड का भी फॉर्मूला लिखा, सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट की, और ये सिंपलीफाई करके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 3.34 है, हमने मीन और मीडियम दिया है, मोड फाइंड करना है, ये फॉर्मूला यूज करके निकाल लेंगे। फिर उसके बाद फिर दोबारा से मीन और मोड गिवन है, मीडियम फाइंड करना है, यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। थर्ड केस में हमारे पास मीडियम मोड गिवन है, मीन का सेम वो देखो एक ही तरह का पैटर्न चलता है। नेक्स्ट 3.35 में क्या है कि मीन मोड और मीडियन है, मीडियन इज ऑल्सो, क्योंकि हमें दोनों सेम है 27 27, इसका मतलब है मीडियन भी हमारा 27 होगा, बिकॉज इट इज अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इसके बाद आता है ये 3.35, इसमें भी हमने ये मीन मीडियन मोड हमने सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लेंगे। 3.36 में हमने वो जो क्वेश्चन आपकी एग्जाम्पल की तरह था आइडेंटिफाई करना था, इसमें मैंने आपको कहा था पहले आपने वैल्यूज को अरेंज कर लेना है, और मीडियन अगर पता है 50% होता है क्वार्टाइल Q1 में, आपके पास 25%, Q3 में 75%, और ये हमने अरेंज करके लिख ली सारी वैल्यूज को। अब यहाँ से हमने निकाली है कि कौन सी वैल्यू हमारी कौन कौन सी है। ठीक है, बिल्कुल आपकी एग्जाम्पल हमने की है, सेम वैसा क्वेश्चन, इसको भी आपने कर लेना है। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। यहाँ पे आपका चैप्टर जो है वाइंड अप हो गया, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, और आपके जो भी क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। आप मुझे बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया थर्ड चैप्टर में। ठीक है, और 19 क्वेश्चन को भी चलो देख लेते हैं एक बार।